हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का ओडिशा बीएड एडमिशन टेस्ट 2022 के लिए ऑफिशियल आंसर की एसएसबी के तरफ से रिलीज हो चुका है और इसी नोटिस में आप लोगों का अपने सब्जेक्ट का आंसर की देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोगों को आंसर की में अगर कोई गड़बड़ी है या फिर आप लोग चाहते हो कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना, रेज करना, तो आप लोगों को मैं इसी नोटिस में आप लोग स्टेप वाइज बता दूंगा किस तरह से आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, या फिर आप लोग समझने में भी कोई दिक्कत है तो उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आज ही की तारीख में रिलीज हुआ है और ये है आप लोगों का नोटिफिकेशन नंबर। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नोटिस देखिए, इसी नोटिस में आप लोगों को आंसर की मिल जाएगा। तो पढ़ते हैं, लिखा है, इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स दैट स्ट्रीम वाइज एंड सेट वाइज आंसर की टू इंडिविजुअल क्वेश्चन ऑफ द बी एड एडमिशन टेस्ट 2022 हैज बीन अपलोडेड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द SSB। ठीक है, मैं यही नोटिस में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग फिर से दोबारा नहीं जाना जरूरत बिल्कुल नहीं, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका ऑफिशियल। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्शन टू द सेड कीज, अगर आप लोगों का ऑब्जेक्शन वगैरह है, इफ एनी आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटरी प्रूफ, यानी कि अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करना है उसके साथ साथ उसके अगेंस्ट में अगर आपके पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, सो एज टू रीच दिस ऑफिस, उसको आपको पहुंचाना है ऑफिस थ्रू द रजिस्टर्ड मेल ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो आपने अप्लाई के टाइम में रजिस्टर्ड मेल दिया था, आपका ऑफिशियल मेल जो भी होगा, उसको आप लोग 5 अगस्त 5 बजे से पहले पहले आप लोगों को रिप्लाई मेल दे देना है। ठीक है, तो आप लोगों का किस तरह से होगा ऑब्जेक्शन फाइल, वो मेल के थ्रू से होगा या फिर मैं बता दूं मेल के थ्रू से, या फिर आप लोग इंडिविजुअल जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे लिखा गया है। उसके बाद देखिए, अब ये मालूम चल गया आप लोग डेट 5 अगस्त 5 बजे से पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए, फर्दर कैंडिडेट्स हैव टू पे, ये एक चीज़ एक्स्ट्रा डाले हैं कि अगर आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और मैं बता दूँ पूरा आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंट है जो भी ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, तो हैव टू पे 200 पर ऑब्जेक्शन, एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 200 पे करना पड़ेगा इन शेप ऑफ बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में जिसको ड्रॉन किया जाएगा, किसके फेवर, ड्रॉन इन फेवर ऑफ स्टेट सिलेक्शन बोर्ड पेएबल एट भुवनेश्वर। ठीक है, तो आप लोगों को एवरी क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 200, ठीक है, पर ऑब्जेक्शन। तो आप लोगों को उस हिसाब से कॉन्फिडेंटली जो जिसके लिए आप लोग सियोर हो, आपके पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ है, आप लोग क्लेम कर सकते हो, उसके लिए ही आप लोग रेज करो ऑब्जेक्शन और आप लोगों को 200 पर ऑब्जेक्शन देना पड़ा। व्हाइल सेंडिंग, यहाँ पे अभी बताएगा, देखिए, व्हाइल सेंडिंग द ऑब्जेक्शन द स्कैन कॉपी ऑफ द बैंक ड्राफ्ट में ऑल्सो बी सेंड टू द ईमेल ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड, यानी जो आप लोग बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे उसका आप लोग स्कैन कॉपी को भी ईमेल में भेजना है। ठीक है, ईमेल में भेजना, उसके मैं बाद में बताता हूँ क्या लिखा है। द बैंक ड्राफ्ट इन ओरिजिनल, अब ओरिजिनल जितने भी आप लोग 1 2 3 4 जितने भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन करना है उसका ओरिजिनल शुड बी सेंड टू द सेक्रेटरी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड यूनिट 2 अशोक नगर भुवनेश्वर। तो आप लोगों उसका ओरिजिनल को भी भेजना पड़ेगा अलॉन्ग विद द फील्ड इन परफॉर्मेंस गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे जो देना पड़ेगा उसको तो आप लोग ऑफलाइन ही भेज सकते हैं, यानी कि आप लोगों को बाई पोस्ट भेजना होगा क्योंकि आप लोगों को ओरिजिनल पूछा है। तो ओरिजिनल को तो आप लोग मेल में नहीं भेज सकते ना, उसका तो स्कैनिंग ही होगा ना, स्कैनिंग हुआ तो वो तो आप लोगों का डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ओरिजिनल आप लोगों को इस एड्रेस पर देना है, सेक्रेटरी इसके हेड में, सेक्रेटरी स्टेट सिलेक्शन बोर्ड इसके एड्रेस में भेजना है। उसके बाद देखिए, एनी कंप्लेंट रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट एंड टाइम नॉट एकॉम्पनीड विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फी शैल नॉट बी एंटरटेन। इसके बाद अगर आप लोगों ने डिले किया, जो आप लोगों को 5 अगस्त दिया गया उसके बाद आपने भेजा या फिर पहुंचा, या फिर उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है लेकिन आपने बैंक ड्राफ्ट नहीं भेजे, ये सब के लिए उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। द ऑब्जेक्शन में भी सेंट, हाँ यहाँ पे अभी देखिए ये वाला पॉइंट आपके, अब भी जो जितने सारा ऑब्जेक्शन है, मे बी सेंट टू द ईमेल आईडी ऑफ स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, आप लोगों को सेंड करना है ईमेल आईडी से जितने भी ऑब्जेक्शन देना है, या फिर डिपोजिटेड इन फिजिकल फॉर्म इन द ऑफिस ऑफ द स्टेट सिलेक्शन बोर्ड। तो या फिर आप लोग ऑनलाइन ईमेल से भेजिए, या फिर आप लोगों को डिपॉजिट करना है ऑफिस में जाके, बाय पर्सन जाके आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर, कितने से कितने बजे, 1 तारीख से, आज से ही आप लोगों का 5 तारीख के बीच में आप लोग जब भी जाके फिजिकली भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं बता दूँ फिर से शॉर्ट कर रहा हूँ, ओरिजिनल आप लोगों को भेजना होगा, ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट भेजना होगा, साथ में आप लोगों का स्कैन कॉपी को भी मेल के द्वारा, या फिर वो जो आप लोग बनाएंगे परफॉर्मा बनाएंगे परफॉर्मा के साथ अटैच करेंगे उसको भी आप लोग चाहो तो फिजिकली दे सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू से दे सकते हैं। उसके बाद देखिए,
इट मे बी नोटेड दैट इफ द ऑब्जेक्शन आर सस्टेन्ड, यानी कि मान लीजिए आप लोगों का ऑब्जेक्शन सही सही हुआ, द अमाउंट सो डिपोजिटेड शैल बी रिटर्न बैक, तो आप लोगों को अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा, चाहे वो चेक के फॉर्म में हो चाहे वो अकाउंट ट्रांसफर हो, वो बात का बात है अगर आप लोगों का सही हुआ। क्योंकि उसके बाद इसके बाद भी देखिए, अगर मान लीजिए आंसर किया अभी रिलीज हुआ आपका ऑब्जेक्शन सही हुआ, तो फिर से एक आएगा क्या रिवाइज आंसर की, ये भी याद रखिए रिवाइज आंसर की रिलीज होगा, वो भी ऑफिशियल के तरफ से, ठीक है ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। सो अदरवाइज द कैंडिडेट शैल फॉरफिट द अमाउंट, अगर साबित नहीं हुआ सही तो फिर आप लोग पूरा जो अमाउंट है उसको लूज कर दोगे, खो दोगे, ठीक है। अब ये परफॉर्मा देखिए, आप लोग परफॉर्मा किस तरह रहेगा, A4 साइज में लिख दीजिएगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके नीचे रोल नंबर, उसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपका जो भी है, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा जिसको आपने अप्लाई के टाइम दिया था, स्ट्रीम दे दीजिएगा, क्वेश्चन सेट कोड आपका क्या है, क्योंकि आप लोग मालूम है आर्ट्स साइंस हिंदी वगैरह सबका अलग अलग है क्वेश्चन सेट कोड, उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी था उसको लिखेंगे, उसके साथ विथ अगेंस्ट हुईज ऑब्जेक्शन हैज बीन रेड, एंड बैंक ड्राफ्ट को तो आप लोगों को अटैच करना है नंबर के साथ, डेट के साथ एंड अमाउंट के साथ। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ नंबर 9 में अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ अटैच किए हैं उसके साथ तो अटैच कीजिएगा, नहीं है तो मतलब ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे, अगर है तो आप लोग को अटैच करना पड़ेगा, और नीचे आप लोग सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, सो ये हेडिंग डालना, उसके बाद लिखना ठीक है नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद आपका नाम, देन रोल नंबर, देन आपका रोल नंबर एड्रेस कंप्लीट एड्रेस एड्रेस, उसके बाद आखिर में आप लोग सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का आंसर की, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन कोड सेट है, यानी आर्ट्स के लिए है, आर्ट्स स्ट्रीम बीएड का देख सकते हैं, ठीक है आप लोगों का। ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप चाहो तो पॉज करके भी देख लेना, ये 100 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आएगा आप लोगों का आर्ट्स बी एड सेट बी के लिए, ठीक है सेट बी के लिए देख सकते हैं, जहाँ कहीं भी चाहें आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का साइंस स्ट्रीम सेट सी के लिए आ गया, साइंस स्ट्रीम सेट सी, जहाँ कहीं भी चाहें पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लोगों साइंस स्ट्रीम सेट डी के लिए आ गया, ठीक है सेट डी ये क्वेश्चन है, उसके आप लोगों का आंसर की, जहाँ कहीं पे भी आंसर आप लोगों को लग रहा है कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो आप उसके लिए अगर मतलब है आपके पास डॉक्यूमेंटल प्रूफ तो आप लोग दे सकते हैं जेन्युइन, ठीक है इधर उधर का बुक्स वगैरह ये नहीं, आप लोग जो ऑफिशियल बुक मतलब जो फेमस बुक्स हैं बुक ऑथर हैं उनका दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग मालूम है कुछ ऐसे बुक्स भी हैं जिसमें बहुत सारे स्पेलिंग एरर ग्रामेटिकल एरर, जिसको ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं है उसमें अगर कुछ अलग लाइन लिखा है आप लोगों का और दूसरे बुक में अलग है तो फिर आप लोगों का गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को पूरा ऐसा बुक लेना है बहुत फेमस बुक जो कि यूज़ किया जाता है आपके सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए उसके लिए, और ये BA CED का हिंदी के लिए दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये था, तो आप लोगों के लिए ये था, सो ये था आप लोगों के लिए अपडेट, ठीक है। अगर कोई क्वेरी वगैरह है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और जल्द से जल्द आप लोग 5 अगस्त से पहले पहले आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर लीजिए अगर है, और उसके साथ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।